कम करने के लिए, बीमारियां ख़त्म करने के लिए आप लोग अपनी डाइट प्लान ले चुके हुए हैं, मुख्तलिफ डाइटिशियन से आप लोग अपनी पूरी कोशिश कर चुके हुए हैं, आप लोगों ने अपना वज़न भी थोड़ा कम कर लिया था। आप लोगों ने जब दोबारा उससे आप लोगों को क्या हुआ, वीकनेस आ गई, हम लोगों को दोबारा से खाना शुरू किया, तो अगर जहाँ 4 किलो वज़न कम किया था तो जब खाना शुरू किया तो 5-6 किलो वज़न बढ़ गया। ये सारे इश्यूज़ आप लोगों के साथ चल रहे हैं और बीमारियाँ आप लोगों की मुख्तलिफ चल रही हैं। सिर्फ वज़न कम करना की गेम नहीं है ये, ठीक है, जो आज का वीडियो है इसमें सिर्फ वजन कम नहीं है, यहां पे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, फैटी लिवर, इन सब की बात होगी। तो क्योंकि जो वज़न कम करना एक चीज़ है कि आप लोगों को गिफ्ट में वज़न कम मिलता है, और जब इसके साथ आप लोगों की पहले बीमारियां रिवर्स होती हैं जब अगर आप लोग ठीक तरीके से चलेंगे तो। क्योंकि जब जो आजकल के डाइटिशंस ने पकड़ा हुआ है कि वो कैलोरीज इन आउट की गेम बना दी हुई है, वो अगर इंसान को 1500 कैलोरीज चाहिए हैं तो वो उनको 1000 कैलोरीज दे देते हैं और उसे उनका वज़न कम कराते हैं, उससे फैट लॉस और साथ में उनका मसल लॉस भी हो जाता है। तो जो कि मसल लॉस को बचाना होता है, हम लोगों ने ये आप लोगों को एक चीज ये समझने की जरूरत है कि हम लोगों को फैट लॉस करना है कि हम लोगों को मसल लॉस करना है। मसल पट्टे हमें ताकत के लिए चाहिए होते हैं, वो भी वो खो देते हैं, तो इशू उनका वहीं पे वहीं खड़ा रहता है। तो क्योंकि वो अवेयरनेस हासिल किए बगैर इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूंगी कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी बीमारियां रिवर्स करनी है और किस तरह से आप लोगों ने अपना वेट रिड्यूस करना है, लेकिन समझ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट एक्सरसाइजेज, हेल्थ डिजीजेज स्टडी बेस पे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करा के, उन लोगों की डाइट चेंज करा के उन लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ। आप भी वीडियो सुने, समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो उनकी स्टडी रिसर्च है कि उन्होंने क्या किया है, कुछ लोगों को 6 से 10 बजे तक उन लोगों ने उनको फास्टिंग कराई। फास्टिंग विंडो का मतलब होगा कि इस दौरान आप लोगों ने कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है, इस दौरान में क्या खा पी सकते हैं क्या नहीं खाना वो भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगी, आपको आइडिया मिल जाए, और इस पर कंप्लीट अलहदा से वीडियोज़ भी बन जाएंगी। अच्छा, उन्होंने 6 बजे उन लोगों को खाना खिलाया और उनका जो फर्स्ट मील सुबह 6 बजे उन लोगों ने लिया, तो 15 दिन के बाद उनका वेट किया गया तो उनके जिस्म का 3% जो उनका वेट लॉस हो चुका था। और ये 3% उनका वेट लॉस नहीं था, उनकी बीमारियां रिवर्स थी। उसमें उनमें उन्होंने क्या नोट किया, उनका ब्लड प्रेशर उनका ठीक होना शुरू हो गया, उनके जो ब्लड शुगर थी वो कम होना शुरू हो गई, यानी कि ब्लड लेवल नॉर्मल आना शुरू हो गए। इसके अलावा जो उनके हारमोन्स थे वो ठीक होने की तरफ चल पड़े। ये सारी चीज़ें उन चेंजेस उनमें आए, वज़न तो उनका कम हुआ ही। अब आज के वीडियो में आप मेरे साथ वो लोग पूछ रहे होते हैं कि हम लोग नाइट ड्यूटी पे होते हैं, हम लोगों की ये टाइमिंग है ऑफिस की, हम लोग किस तरह से अपने आप कहती हैं कि फास्टिंग करें तो हम किस तरह से उसको वो साथ लेके चलें। तो आपको आज उसमें भी हेल्प कर देती हूँ कि आप लोगों को ये 6 से 10 टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने इसको लचकदार इसको मैंने बनाया है ताकि आप लोग इससे भरपूर फायदा हासिल कर सकें। सब तरह के लोग इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें आप लोग 7 से 3 भी लेके चल सकते हैं अपनी, ठीक है, रात को 7 बजे आप लोगों ने खा लिया, सुबह 7 से लेके शाम 7-3 बजे तक आप लोग खा सकते हैं, ठीक है, सुबह 7 से लेके शाम को 3 बजे तक आप 3 बजे आपकी विंडो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोग 9 से 5 बजे तक आप लोग अपनी फास्टिंग कर सकते हैं, आप लोग 12 से 8 बजे तक अपनी फास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि 8 बजे आप लोग अपना फर्स्ट मील लेंगे तो 12 बजे आप लोग अपना रात को 8 बजे आप लोग अपना डिनर करेंगे तो फर्स्ट मील आप लोग 12 बजे लेंगे। आप लोग जो सा है 2 से 10 बजे तक भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग 1 से 9 बजे तक भी कर सकते हैं। दो मेरा जो चल रहा होता है ना वो 9 से 1 चल रहा होता है, यानी कि रात को 9 बजे मेरा डिनर होता है, मेरा ऑफिस से लेट आती हूँ तो मेरा 9 बजे से लेके 1 बजे तक मेरी फास्टिंग चल रही होती है। ये मेरा लाइफस्टाइल है, मेरी लाइफ के मुताबिक है, ठीक है। जबकि ये अगर आप लोगों ने हाउसवाइफ हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों ने फ़ायदा हासिल करना है तो वो 6 से 10 ही है। सूरज के मुताबिक जो असल इसका फ़ायदा है उसका थीम समझना है कि सूरज के मुताबिक हम लोगों ने खाना पीना है। जब सूरज निकलेगा उस टाइम पे खाना आप लोगों ने, या जब सूरज चला जाएगा वहाँ पे स्टॉप कर देना खाना पीना, क्योंकि तब इंसुलिन भी कम आती है और स्ट्रगल करनी पड़ती है अपना खाना पचाने में, हजम करने में। लेकिन अब मजबूरी है, अब लाए हम लोगों की जॉब, हम लोगों का लाइफस्टाइल, यानी कि हमारी जो लाइफ के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स बन रही होती हैं उसके मुताबिक हम लोगों को थोड़ी सी वो इस तरह से भी आप लोग लेके, इसका ये मतलब नहीं कि अब हम लोगों को ये सूट ही नहीं करता तो हम लोग अब करेंगे ही नहीं फास्टिंग। तो आप लोगों को इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसमें लचक लेके आई हूँ
और क्योंकि जब मैंने इसकी स्टडीज़ मैंने पढ़ी थी ना, तो तब मुझे भी होता था मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ, 6 बजे तो मैं तो घर में ही एंटर 8 बजे होती हूँ, तो मैं किस तरह से इस लाइफस्टाइल को अपना सकूँगी। तो फिर इसको थोड़ा लचकदार बना के और इससे फ़ायदे उतने मैं हासिल कर पाई हूँ, साथ में दूसरी चीज़ें इंप्लीमेंट करके अपने एक्सरसाइज और साथ में अपनी डाइट कौन सी खानी है कौन सी नहीं खानी है इन चीज़ों को लेकर, तो फिर वो इसको कामयाब आप लोग भी बना सकते हैं। तो आप लोग जो है जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो रात को 10 बजे जो है अपना डिनर करेंगे और अगले दिन फिर दोपहर को अपना खाना खाएंगे, क्योंकि 10 बजे वो डिनर कर लेंगे, रात को उनकी ड्यूटी में गुजर जाएगी, सुबह फिर उन्होंने सोना होगा, तो वो मॉर्निंग ड्रिंक मेरा पी के एप्पल साइडर विनेगर वाले में मैंने बना के दिखाया हुआ है, तो वो आप लोग वो अपना स्लीप उसमें पूरा कर सकते हैं। तो उनका फर्स्ट मील 2 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये नाइट शिफ्ट वाले जिनका बहुत जो बाहर के लोग हैं इटली फ्रांस अमेरिका ये वो वहाँ से मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं और कंसल्टेंसी के लिए वो लोग परेशान हो रहे होते हैं, औरतें जो मेरे साथ जिन्होंने कंसल्टेंसी नहीं उनको जो इशू आया नाइट शिफ्ट वालियों को कि हम किस तरह से वो करें, तो उनमें से एक मैनेजमेंट टाइम की ये भी आप लोग कर सकते हैं कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक आप लोग अपनी फास्टिंग ये विंडो होगी आपकी, ठीक है। दूसरा जो रात को 8 बजे आप अपना खाना खाएंगे, सुबह 12 बजे खाएंगे, रात को 5 बजे खाएंगे, सुबह 9 बजे आप लोग खाएंगे, उसके बाद 3 बजे खाएंगे तो सुबह 7 बजे खाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको बहुत टाइम पर सुबह उठ जाते हैं और वो शाम को 3 बजे वो अफोर्ड कर सकते हैं रात का वो खाना खाना। सर्दियों में ये बहुत अच्छी रह जाती है, सर्दियों में जल्दी सूरज गुरूब हो जाता है ना, तो सर्दियों में 3 से 7 वाला बेस्ट ये कम्बिनेशन है। तो ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसको समझ के लचकदार बना के अपनी बॉडी को साथ में इन चीज़ों को हैवी करके नहीं, प्यार से मोहब्बत से इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो इम्प्लीमेंट आप लोग करवा पाएंगे और इससे फ़ायदा भी तभी हासिल होगा जब प्यार से चलेंगे, ज़बरदस्ती थोपेंगे तो ये इशू सॉल्व नहीं होंगे। अब मैंने कहा है कि आप लोगों का जो वज़न है ना, आप लोगों का जो बड़ा वज़न कम होना, ये साथ में आप लोगों के दूसरे लेवल जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये यहाँ पर बात आ जाती है डायबिटिक प्री डायबिटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेरा वीडियो देख लीजिएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस से मैं क्या मतलब ले रही हूँ, क्योंकि वो जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिनकी बॉडी वो आने वाले 8-10 साल में डायबिटिक पेशेंट बनने वाले हैं, तो वो आप लोगों अगर उन्होंने कंट्रोल ना किया फैटी लीवर, ठीक है, और आप लोग अपनी लॉन्गजेविटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप लोग ज़्यादा देर हेल्दी जीना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को ये लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा और ये बहुत हेल्पिंग है ये लाइफस्टाइल। क्योंकि जब मैं भी जब मैंने 4 साल पहले इसके बारे में जब मैंने पढ़ा था, बीच में सारा कुछ जान भी चुकी थी, तो मुझे होता था कि ये मेरे एनर्जी लेवल ना कम कर दे, मैं नहीं खाऊंगी तो मैंने बहुत काम करना होता है, तो मैं किस तरह से लेके चलूंगी। ये सारी गलत फहमियाँ मेरी भी दूर होती गई जब मैंने इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। आप लोगों को सब समझाती हूँ आप लोगों ने इसमें अब करना क्या है। आप लोगों ने सबसे पहले जो इसमें जो बैड ऑयल्स हैं वो कुकिंग ऑयल्स वगैरह जो होते हैं और जो बाहर के जो फ्राइड आप लोग खाने खाते हैं उनको भी एक्सक्लूड करना है। ये नहीं कि आप लोगों की फास्टिंग चल रही है साथ में फास्ट फूड्स भी चल रही हैं, प्रोसेस्ड फूड भी चल रही हैं, इनको भी आप लोगों ने अपनी लाइफ से परे करना है। और इसके अलावा जो आप लोगों ने एक कंसेप्ट अगर समझ लेंगे ना, जो मैन मेड जो कार्बोहाइड्रेट हैं यानी कि पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर ये बुरे हैं, जो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे शकरकंदी हो गई है, ठीक है, आप लोग चावल भी खा सकते हैं, आप लोग रोटी भी खा सकते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं आप लोग उन पे अगर फ्रूट भी खा सकते हैं, नेचुरल चीज़ों पे रहेंगे तो अपनी लाइफ को आप एक हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जैसा कि स्वीटनेस डाले हुए होते हैं खानों में, उसके अलावा उसमें आर्टिफिशियल कलरिंग की होती है, आप लोग इसके इंग्रेडिएंट पढ़ा करें। जब आप लोग कोई चीज़ खरीदते हैं अपने बच्चों को भी लेके देते हैं उसके इंग्रेडिएंट पढ़ा करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। MSG ऑयल्स ये यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स उसमें जो बाहर के खाने होटलिंग जो करते हैं उसको जायकादार बनाने के लिए, ठीक है, ताकि वो ज़बान को आपके वो लगे तो आप लोगों को फिर वो उसका टेस्ट डिवेलप और आप बार बार की तरफ आपका दिल चाहे। तो ये खतरनाक किस्म के ये ऑयल हैं और ये जिस्म में पानी को रिटेन करके रखते हैं, रोक के रखते हैं ये वाटर को जिस्म में, जिनको एडिमा टाइप होता है ना, जो कहते हैं हमारा मुंह सूजा हुआ है, हमारे पांव सूजे हुए हैं, टखने सूजे हुए हैं, ये पानी रिटेन हुआ हुआ है बॉडी में। इन चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है। जब वो जैसे ही इन चीज़ों को अपनी लाइफ में से बाहर निकालेंगे, सबसे पहला काम आपके जिस्म में से ये पानी निकलेगा। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे ना आप लोगों को,
सबसे पहला जो आप लोग चेंज करें महसूस करेंगे, गंदे किस्म के फ्लूड निकलेंगे और आप लोग हल्का फुल्का अपने जिस्म को फील करेंगे और आप लोग अपनी ये स्वेलिंग, जो एक्स्ट्रा स्वेलिंग आप लोगों के जो जिस्म में चल फिर रही थी, उसको आप देखेंगे कि ये तो हमारी ठीक हो गई है, हमने कोई मेडिसिन भी नहीं यूज़ की और हम पहले इसके लिए इतने ज़्यादा परेशान थे। ये हो चुका है मेरे साथ, कंसल्टेंसीज मेरे साथ ली हैं फीमेल्स ने और उन्होंने जो पहला उनका कमेंट आया इसके बारे में वो यही आया कि मैं तो इस अपनी सूजन को लेकर बहुत परेशान हो रही थी और मैंने इतने महंगे टेस्ट करा छोड़े थे और डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरी स्वेलिंग की वजह क्या है। वो गंदा पानी उनके अंदर वो रिटेन कर रखा हुआ था, ठीक है, केमिकल्स ने वाटर रिटेन किया हुआ था। तो सबसे पहले ये आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आएंगे और अच्छी डाइट की तरफ आप लोग आएंगे, ठीक है। अब ये आप लोगों ने कैलोरीज इन आउट की गेम नहीं है। आप लोग 16-8 जो उनसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, यानी 16 का मतलब है कि 16 घंटे आप लोगों ने फास्टिंग करनी है, 8 घंटे आप लोगों ने खा पी सकना है, ठीक है, वो आपकी ईटिंग विंडो होगी। अब ये कैलोरी इन आउट की गेम नहीं है, इसमें आप लोगों को कैलोरी की भी छूट मिल जाएगी। आप लोग एक अच्छा जोन सा है ना, वो आप हेल्दी खाना आप लोगों का, उसमें अगर 2000 कैलोरीज हैं, एक खाना जिसमें 400 कैलोरीज हैं, आप उसकी बजाय आपको वो अच्छे वाला खाना अच्छा लग रहा है जिसमें 1500-2000 कैलोरीज हैं, तो वो आप लोग खा सकते हैं इसमें और उसे खाने से आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा आपके, बल्कि एनर्जी लेवल आप लोगों के बढ़ेंगे। आई प्रॉमिस आप लोगों को इसकी छूट मिल जाएगी फास्टिंग करने से, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं वो सारा दिन कुछ ना कुछ खा रही होती हैं, खा रहे होते हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ उनका चल रहा होता है, फिर भी उनके एनर्जी लेवल लो होते हैं। मैं जो उनसे फास्टिंग कर रही होती हूँ और उनसे ज़्यादा मैं खाती हूँ, जितना शायद उन्होंने पूरे दिन में खाया है उनसे शायद मैं डबल खा लेती हूँ। आई लव ईटिंग, मैं उनसे शायद डबल खा लेती हूँ अच्छी चीज़ को, अच्छी कैलोरीज उनसे ज़्यादा अच्छी कैलोरीज होती हैं मेरी खाने में और उनसे डबल कैलोरीज होती हैं, तो लेकिन मैं फिर भी उनसे पतली भी हूँ, मैं उनकी निस्बत ज़्यादा, मेरे एनर्जी लेवल भी माशाल्लाह से होते हैं, उनको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, हेड डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है काम के दौरान, मैं माशाल्लाह से नॉन स्टॉप अपना सारा काम कर रही होती हूँ। ये फ़र्क आएगा फास्टिंग करने से और ये फ़र्क आया है, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में ये मैं लेके आई हूँ, तो आप लोगों को भी, और ये स्टडी बेस्ड रिसर्च बेस है, इसी वजह से मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल से हिस्सा बनाएं। लोग पूछ रहे होते हैं हम लोगों को ये कितने दिन करना है, आप लोग अपनी लाइफस्टाइल इसको बनाएं कि आप लोगों का ये लाइफस्टाइल ही बन जाए कि हम लोगों ने 16 घंटे फास्टिंग है हमारी चल रही है और 8 घंटे हम लोगों ने खाना है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि आप कह रही हो कि ये नहीं है कैलोरीज। अच्छा, यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी चीज़ मेटाबॉलिज्म। अब मैं क्यों उनसे ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना, उनसे हैवी खाना भी खा लेती हूँ, मेरे से छोटी एज की भी वो हैं और फिर भी वो उसे पचा नहीं पाती हैं, वो हल्के खाने और हल्की चीज़ों को वो कर रही होती हैं। मैं मेटाबॉलिकली फ़िट हूँ उन लोगों की निस्बत और मेटाबॉलिकली फ़िट जौन सा होना, ये आपको फास्टिंग मेटाबॉलिकली फ़िट की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। मेटाबॉलिकली फ़िट का मतलब है कि जब मैं खाना खाती हूँ उस टाइम मेरा एनर्जी खाने से ले रहा होता है, मेरी बॉडी फौरन अपना स्विच मेटाबॉलिकली वो उस पर ले जाती है, जब मैं खाना खाती हूँ खाना आया है उससे एनर्जी वो लेना शुरू कर देती है। जब मैं खाना नहीं खाती हूँ तो मेरा जिस्म फौरन मेटाबॉलिकली स्विच हो जाता है, जो मेरे जिस्म के अंदर जो शुगर है, ग्लूकोज जो स्टोर हुआ हुआ है, जो फैट मेरे अंदर स्टोर हुआ हुआ है उस पे आ जाता है जिस्म। मेन चीज़ फैट स्टोरेज पे आना, ठीक है, फैट जो स्टोर हुआ हुआ है उसको बर्न करने से जो कैलोरीज मिलेंगी, जो खाना मिलेगा, जो कीटोन्स की शक्ल में मिलेगा, उस पे मेरा जिस्म आ जाता है, मेरा जिस्म वहाँ से एनर्जी ले रहा होता है उस दौरान। मेटाबॉलिकली फिट होना यानी कि आप लोग, और ये पहले ही उसमें नहीं हो जाएगा स्टेप में, आप लोगों को थोड़े दिन लगेंगे इसमें आने में। आप लोग अपना फास्टिंग स्टार्ट करेंगे, शुरू शुरू में आपके शुगर लेवल ऊपर नीचे जाएंगे, आप लोगों का दिल घबराएगा, एक थोड़े दिन आपको एनर्जी लेस आप लोग फील कर रहे होंगे, शुगर ऊपर नीचे हो रही होगी, लेकिन जैसे ही आप लोगों का मेटाबॉलिकली जिस्म समझना शुरू करेगा कि मैंने अब एनर्जी खाना नहीं आ रहा है, मैंने जिस्म के अंदर जो स्टोर फैट है उसको बर्न करके एनर्जी लेनी है, तो वो वैसे ही आपको फिर एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, आप काम डाउन हो जाएंगे। मैं काम कर रही होती हूँ, मैं 1 बजे फर्स्ट मील करती हूँ, तो मैं काम कर रही होती हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे फील भी नहीं हो रहा होता कि मैंने इस टाइम पर मेरी फास्टिंग चल रही है और मैंने कुछ नहीं खाया हुआ और इस तरह से, तो वो एनर्जी मेरा अंदर मुझे, क्योंकि मुझे एनर्जी मिल रही होती है, कीटोन्स मुझे मेरी एनर्जी दे रहे होते हैं, मेरी बॉडी में सब कुछ वो प्रोसीजर चल रहा होता है, तो यही मेटाबॉलिकली आप लोगों ने स्विचिंग अपनी बॉडी में करवानी है। अच्छा, अगर अच्छा वेट, अब आप पूछेंगे कि मैं कह रही हूँ कि कैलोरी इन आउट की गेम नहीं है, एक हेल्दी वेट रिड्यूस करना, अपनी बीमारियों को रिवर्स करना, तो फिर आप पूछेंगे तो साजिदा किसकी गेम है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि हार्मोन इम्बैलेंस की गेम है,
यहाँ पर सेक्स हार्मोन की मैं बात नहीं करूँगी, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी हार्मोन्स आप लोगों के, जो दो इम्पोर्टेंट हार्मोन हमारे लिए यहाँ पे काम करेंगे, एक इंसुलिन हार्मोन जो कि फैट स्टोरेज हार्मोन का नाम, जिसे दूसरा नाम आप लोग फैट स्टोरेज हार्मोन दे सकते हैं, ये क्या करता है हमारे जिस्म में फैट को स्टोर करता है, हमारी जो बेली एरिया में फैट है, हमारे जिस्म में हिप्स पे फैट स्टोर हो रहा होता है, ये इंसुलिन ही हार्मोन है जो उसको स्टोर कर रहा होता है। दूसरा है लेप्टिन हार्मोन, लेप्टिन हार्मोन कहते हैं भूख के, फैसिएशन हार्मोन ये होता है, ये हमारी भूख का हार्मोन होता है, हमारे ब्रेन को जब बॉडी को खाना नहीं मिलता, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है बॉडी भूखी है, तो वो हमारा लेप्टिन हार्मोन एक्टिव होता है, ये गेम है। तो इसको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, फास्टिंग के जरिए हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, जब आप लोग बार बार खाते हैं ना, तो बार बार खाने से क्या होता है, इंसुलिन को शुगर लेवल बढ़ता है जिस्म के अंदर, बार बार खाने से, एक बार खाया शुगर लेवल बढ़ा तो शुगर के जब बढ़ेगी तो समझो इंसुलिन भी आएगी, जब इंसुलिन आएगी जिस्म बहुत समझदार है, वो जितनी जिस्म को रिक्वायर होएगा वो ग्लूकोज, हर खाना जो उनसे है वो डाइजेस्ट होके प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होते हैं, तो वो जब खाना डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वो वाला ग्लूकोज जिस्म से संभाला नहीं जाएगा अगर ज़्यादा होगा, उसमें से जितना जिस्म को चाहिए होगा वो उतना यूज़ कराएगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, वो फिर ऑर्गन्स पे भी जमा करना शुरू कर देता है, फैटी लिवर जिसे कह रहे होते हैं, और बेली एरिया में वहाँ पे भी फैट फेंकना शुरू कर देता है। तो इस हार्मोन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और ये बार बार खाने की वजह से आएगा। इसको आप लोगों ने, इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने ये फास्टिंग मदद करेगी यहाँ पर, ठीक है। ये फास्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, अपने इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल करवाने के लिए, ताकि वो बार बार आके तो हमारे जिस्म में फैट जमा ना करवाए। तो ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेप जो ये है ना, इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल करना है। जो लेप्टिन हार्मोन है वो अब ब्रेन को जब सिग्नल देगा तो वहाँ पर फिर आपको भूख का वो होगा, तो फौरन ही वो लेप्टिन हार्मोन को भी हम लोगों ने काम डाउन करना है, ताकि वो बार बार वो आपको डिस्टर्ब करे। तो लेप्टिन हार्मोन काम डाउन होगा, प्रोटीन का लेवल आप लोगों ने अच्छा रखना है अपनी डाइट में, प्रोटीन लेप्टिन को काम डाउन करती है, ठीक है। तो इसकी आजकल वो करा दी गई हैं, जो ये डाइटिशियन क्या कर रहे हैं जी, लेप्टिन हार्मोन को हम लोग एक्टिवेट नहीं होने देते, वो क्या तरीका निकाला हुआ है स्पेशली इंडिया में ये जो करा रहे हैं डाइटिशियंस, क्योंकि वो गुड फैट और गुड प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन नहीं यूज़ कराते हैं, तो उन्होंने क्या तरीका पकड़ा होता है, दो दो घंटे बाद खाना दे रहे होते हैं, इससे आपका लेप्टिन हार्मोन नहीं आएगा, यानी आपको भूख नहीं लगेगी, दो घंटे बाद कुछ ना कुछ दे देंगे, दो घंटे बाद कुछ ना कुछ दे देंगे, इससे उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, ठीक है, अंदर उनके तबाही मच रही है इस चीज से, आप उनका लेप्टिन को कंट्रोल कर लो, उसका इंसुलिन अंदर तबाह हो रहा है, तो वो उसका सलूशन नहीं है, उसका सलूशन है लेप्टिन हार्मोन को कंट्रोल करने का, उसको प्रोटीन लाइक करता है वो, ठीक है। प्रोटीन उसे, आप लोग अपना प्रोटीन इनटेक अच्छा रखें, उसका बायो अवेलेबल सोर्स, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, दोनों सोर्सेस को मिक्स करके आप लोग लें, ताकि लेप्टिन हार्मोन काम डाउन हो और वो बार बार आपको भूख की तरफ वो नहीं लेके जाए, फिर आपकी फास्टिंग भी कामयाब तभी हो सकेगी। अगर आप लोग कह लो ना, अब इंडिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी कामयाब नहीं हो पा रही है, उसकी वजह के वो कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उपमा ये वो सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, इन चीज़ों को ले रहे होते हैं, जो कि वो एक खास में टाइम तक रहती हैं, उसके बाद एनर्जी लेवल उनके ख़त्म होते हैं, वो उनको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो प्रोटीन इनटेक अच्छा करें, अंडे गोश्त ये वगैरह लेके आएँ लेप्टिन को कंट्रोल करवाने के लिए, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक आपको समझ आ गई है, अब ऑटोफेजी चलना जो उनसा है वो आपको समझ आ गई, ये कैलोरीज कम खा के ऑटोफेजी नहीं चलेगी, ये ऑटोफेजी आपकी चलेगी इन हार्मोन्स को कंट्रोल करके, ठीक है। ये इसमें आपकी कैलोरीज ज़्यादा वाली चीज़ें भी आप लोग खाएंगे, क्योंकि गुड फैट का मैं नाम ले रही होती हूँ, आप लोग देसी घी, मक्खन, अंडे जर्दी समेत खाएँ, कैलोरीज भी इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो लेकिन आप लोग जब फास्टिंग साथ में करेंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे, कम्बिनेशन इन चीज़ों के लेके चलेंगे, तो वो फिर बिल्कुल स्ट्रीमलाइन सारा चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको पांच चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब पांच चीज़ों में क्या आ जाता है, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग जोन सी है ना, एक ख़ास जोन सा वक्फे तक आप लोगों ने नहीं खाना, और बेशक एक बादाम ही क्यों ना हो, जैसे कि आप लोग जब आपकी फास्टिंग चल रही होगी ना, आप कहेंगे ये बादाम तो अच्छा है तो हम लोग ये तो खा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों ने उस दौरान क्या, सिर्फ और सिर्फ आप लोग उस दौरान, थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो कम्प्लीट इसकी बनाऊँगी, क्या खाना क्या नहीं खाना, आप लोग उस दौरान क्या खा पी
सकते हैं, आप लोग पानी पी सकते हैं, सिप सिप करके पिया करें फास्टिंग जब चल रही हो, क्योंकि जब ज़्यादा पानी पियेंगे इलेक्ट्रोलाइट जिस्म से निकल जाएंगे, आपको एनर्जी लेवल नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा आपने इस दौरान आप ग्रीन टी पी सकते हैं, इस दौरान आप लोग ब्लैक टी पी सकते हैं, ठीक है, इस दौरान आप लोग अपना लेमन वाटर पी सकते हैं, ये इस तरह की चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। बाकी चीज़ें फास्ट को ख़त्म करेंगी, और जो फास्टिंग के दौरान क्या फास्टिंग जब आपने फास्ट ख़त्म करना है वो क्या, उस पर कम्प्लीट अलहदा से वीडियो हो जाएंगी। अभी आप कंसेप्ट इसको लेके चलें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि इंसुलिन को कंट्रोल करना है। इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए ना आपने 17 घंटे की फास्टिंग तक जाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड एक 16 से 8 है, ठीक है, मैं 16 से 8 कर रही हूँ। लेकिन अगर जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, जिनको मैं मुझे डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो मैं जिनको डायबिटीज़ ज़्यादा है और ये सारे चीज़ इशू आ रहे होते हैं, शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके आपने 17 घंटों पे चले जाना है, ठीक है। 17 घंटे आप फास्ट करेंगे, 7 घंटे आप खाएंगे। इस तरह वाली फास्टिंग जो है वो आपको बहुत इफेक्टिव रहेगी शुरू में, बेशक बाद में 16-8 पे आ जाइएगा ये, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करके 16-8 पे भी आहिस्ता आहिस्ता जाना है। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप ही जंप उधर नहीं मारना है, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप जाना है। उसके बाद आप लोगों ने अल्टरनेट डेज फास्टिंग ये सारी मिक्स करके आप लोगों ने चलनी है, ठीक है। अल्टरनेट डेज का मतलब है कि 2 दिन फास्टिंग कर लिया तो तीसरा दिन आप लोग बीच में गैप देते हैं। उसके बाद 5 दिन कर लिया फास्टिंग तो एक दिन आप लोग चीट डे जिसे कहते हैं वो आप लोग कर लें, यानी कि लचकदार इसको बनाना है ताकि आप लोग इससे बोर ना हो, आपकी बॉडी बोर ना हो, बॉडी को पता हो हम झटका दे रहे हैं उसको, 17 घंटे पे लेके जा रहे हैं, अगले दिन 16 पे ले आए, 14 पे ले आए, इस तरह करके बॉडी को ऊपर नीचे लेके जाना, ठीक है। वो रेस्ट्रिक्ट किस्म की वो चीज़ों को नहीं लेके चलना आप लोगों ने, ये आप इसमें आ जाएंगे। और इसमें ब्रेन हेल्थ आपकी कितने इंप्रूव करेगी, जो मुझे सबसे बड़ी गलत फहमी इसमें यही हो जो मैं नहीं कर पा रही थी, ये मैंने पढ़ा तो 4 साल से हुआ था, लेकिन शुरू मैंने तकरीबन 1 साल से इसको किया इंटरमिटेंट फास्टिंग को, मुश्किल से अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है, लास्ट सर्दियों में शायद मैंने शुरू किया था। तो ये है कि इसमें आपने जो ब्रेन आपका, मुझे सबसे ज़रूरी अपना ब्रेन चाहिए था कि मुझे काम करना होता है, मुझे चैनल पे काम करना, मेरी स्टडीज़, मेरी जॉब, मेरा घर सब कुछ है, तो मेरा ब्रेन कैसे काम करेगा, मुझे यही फिक्र होती थी। तो लेकिन जब इसमें क्या होगा, जब आपका मेटाबॉलिकली आप स्विच हो जाएंगे फैट बर्निंग मोड पे, तो उसके दौरान जब फैट बर्न होता है जो जिस्म के अंदर मौजूद होता है, तो वो उस दौरान क्या होता है, कीटोन्स बनते हैं, जो उसमें प्रोडक्ट बनती है ना कीटोन्स, ये कीटोन्स आपको एनर्जी लेवल देते हैं। इससे फिर आपके ब्रेन फॉग खत्म होना शुरू होंगे, और ये हकीकत है, आई प्रॉमिस, जिन लोगों को ब्रेन फॉग होते हैं, जिनको ब्रेन फॉग का मतलब है सामने वाला बोल रहा है आपको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी बात अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका पहला गिफ्ट ब्रेन फॉग खत्म होने का मिलेगा, ठीक है। आप लोगों की याददाश्त वीक हो रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं काम पे, ये सब इशू आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे जब आपका फैट बर्निंग मोड आप लोगों का कन्वर्ट होगा, ठीक है, कीटोन्स पे जब आप लोग जाएंगे। ये सबसे पहला जो आप लोगों को गिफ्ट मिलना है ये वाला मिलना है। तो इस तरह से करके आप लोग इसे अपना लाइफ का हिस्सा बनाएं, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, बहुत से लोगों को जरूरत है। अल्लाह हाफिज़।